तो अब जो नेक्स्ट फ्लाइट मतलब यहाँ से अहमद कियानी आए, 17 से आई है, ये हमारा अहमद कियानी भी यंगस्टर है, इससे भी हमें आप सोचें कि उम्मीदें वाबस्ता है, ठीक है ना, मैं लुकिंग फिट एंड गुड व्हाट यू कॉल सी फिजिकल कंडीशन, तो मैं चाहूँगा कि जब ये स्विंग कर लेते हैं, शॉट मार लेते हैं, तो शहबाज फिर आपको बताएगा कि क्या किया, कैसे किया। अहमद सुल्तान कियानी ने गोल्फ बड़े बचपन में शुरू की और बड़ा ही इसने जो है ना कीन रहा अपनी गोल्फ में। अभी ये 3 हैंडीकैपर हैं और अच्छी गोल्फ का काफ़ी टूर्नामेंट्स में इन्होंने काफ़ी अच्छी पोजीशंस हासिल की। फोल्डो सीरीज़ एक बच्चों की स्पेशल टूर्नामेंट होता है, उसको उसमें भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी। तो अहमद कियानी बचपन से अच्छी गोल्फ खेल रहे हैं। ये अहमद जबरान साहब हैं जी जी, इन्होंने गोल्फ शुरू की है, जिमखाना से ही खेलते हैं। इन्होंने गोल्फ शुरू किया, इतनी देर नहीं हुई, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी गोल्फ को बड़ा अच्छा पिक किया। अभी 5 हैंडीकैप पे खेल रहे हैं। इनकी बहुत नाइस एंड स्मूथ स्विंग है, बिल्कुल ठीक ही। देखें आपको नज़र भी आ रहा है, बहुत स्मूथ स्विंग है इनकी। फेयरवे अनफॉर्चुनेटली मिस कर गए, अदरवाइज ये फेयरवे मिस करते नहीं होते। तो इन्होंने राइट साइड पर हिट कर दी अपनी बॉल। ये क्या क्या गलती क्या हुई होगी जब दामिल अताउल्ला भी टी पे हैं। इसके बाद हम अहमद जबरान साहब की गलती भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। अभी दामिल अताउल्ला है हमारे सामने। दामिल अताउल्ला अगेन बड़ा टैलेंटेड बच्चा है, 3 हैंडीकैपर, गुड गोल्फर, 3-4 दफ़ा बल्कि ज़्यादा दफ़ा बाहर भी खेले हैं, काफ़ी फिटनेस पर अपनी ध्यान देते हैं। और दामिल अताउल्ला के लिए जो है ना इनके फादर की बहुत एफर्ट है। अगेन जो बच्चे हैं ना, बच्चे यार ये अगर आप माइंड ना करें तो माँ की भी बड़ी बहुत एफर्ट है इनके माँ ने तो गोल्फ कोर्स पे आए हैं ना, इनके फादर ने एक्चुअली अपनी जॉब छोड़ दी है दामिल को गोल्फ खिलाने के लिए। बिल्कुल ठीक है। तो दामिल के ऊपर बहुत मेहनत हुई है। अहमद जबरान साहब की आप पूछ रहे थे कि इन्होंने क्यों फेयरवे मिस किया। असल में ऐसा है कि सर गोल्फ में कोई एक गलती नहीं होती, ठीक है, हम उसमें बहुत सारी गलतियां हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। आपके जो गोल्फर हैं वो एथलीट, पहले के जो गोल्फर्स थे वो एथलीट नहीं थे, वो अपनी जो गेम की ज़्यादा रिहर्सल करते थे, गेम की प्रैक्टिस ज़्यादा करते थे। अब गेम के साथ साथ फिज़िकल फिटनेस को भी ज़्यादा ध्यान देते हैं हमारे जो अब के प्रोफेशनल गोल्फर जो ज़्यादा बेहतर लेवल पे गोल्फ खेल रहे हैं। अच्छा जी, ये ज़रा आपने ये भी एक्सप्लेन करना है कि अब ये इसने ये कैमरा एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है गोल्फ में, पिछले 8-10 सालों में इसने काफ़ी जो है ना टेक ओवर किया है, जिसमें काफ़ी टाइम की भी बचत है। अहमद जबरान साहब अपनी सेकंड शॉट खेल रहे हैं, बैक फुट पे गए हैं शॉट खेलने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कोई रिस्की शॉट खेल रहे थे, वर्ड उन्होंने रफ से खेली है। अहमद कियानी अब सेकंड शॉट के लिए बिल्कुल अच्छा, जो जो इस वक्त इसकी जो बॉल लैंड की है और रेस्ट कर रही है, मतलब कैन यू से इट्स अ गुड शॉट और व्हाट? इट वाज गुड शॉट, गुड शॉट है ये, फेयरवे में जस्ट लेफ्ट ऑफ द फेयरवे। अब दामिल अताउल्ला ने अपनी सेकेंड शॉट खेली है और वो आगे हैं राइट बंकर के बिल्कुल साथ फ्रेंच पे, ग्रीन पे नहीं आए। एवरेज शॉट थी ना, इसको अच्छी शॉट कह सकते हैं ना इसको बुरी शॉट कह सकते हैं, स्टिल ही कैन मेक पार फ्रॉम देयर। और अब हैं अहमद कियानी अपनी अच्छा प्लेयर की, जैसे दामिल ने ये खेली शॉट मतलब, और ये कोई इतना सेटिस्फाइड नहीं होगा अपने शॉट से? नहीं, असल में वो सेटिस्फाइड तो नहीं होगा, लेकिन जो उसने किया वो हो गया। उसका पर्पस ये था कि लेफ्ट साइड पे पानी है, अच्छा वो पानी को सेव करते करते उसने बॉल थोड़ी सी राइट पे खेली। और वैसे भी ये एक प्लेयर की नेचर होती है, कुछ लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते बातें करते हुए, कुछ लोग कर सकते हैं। हाँ। तो ये है जबरान साहब, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है कि भी आप बात नहीं कर सकते, एडवाइस नहीं ले सकते आप, उसका रूल है आप अपने साथ वाले प्लेयर से एडवाइस नहीं ले सकते किसी चीज के ऊपर, लेकिन डिस्टेंस पूछना एडवाइस नहीं है। अब साथ वाले प्लेयर से आप डिस्टेंस पूछ सकते हैं, लेकिन आप किसी और चीज़ पे एडवाइस नहीं ले सकते, लेकिन बात करना किसी जगह मना नहीं है। अहमद जबरान साहब ने अपनी थर्ड शॉट खेली है, तो वो शॉट ऑफ द ग्रीन आ गए हैं। अहमद जबरान साहब अभी उनको अपनी बोगी बनाने के लिए अच्छा इस होल पे कम अज कम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। अहमद कियानी ने बहुत अच्छी शॉट मारी। अहमद कियानी जो है ना वो देखें, मैंने आपको पहले भी कहा था कि उसकी शॉट बहुत अच्छी है, वो उसने अपनी सेकंड शॉट कोई 155-60 यार्ड की खेली है,
उसके पीछे से थ्रू आउट द शॉट वो पानी के ऊपर से बॉल फ्लाई की। मुझे अहमद कियानी की जो है ना जो ड्रेसअप है रेड शर्ट भी है और रेड टॉवल भी है। ये आजकल आपने देखा नहीं है टाइगर वुड्स का फेवरेट है। अच्छा टाइगर वुड्स जो है ना वो ब्लू पैंट्स के साथ रेड शर्ट रेड कैप आजकल बहुत पहन रहे हैं पहनते हैं तो ये बच्चे आज भी टाइगर वुड्स को फॉलो करते हैं। बहुत अच्छी चिप खेली है अहमद जबरान साहब ने अपना थोड़ा सा वो कारीगरी दिखाई गए जी वो मतलब उन्होंने मेकअप कर लिया है उन्होंने एक स्ट्रोक कवर किया है ये चपट करके तो अब वो बोगी से ये होल खत्म करेंगे। अच्छा ये भी तो रूल चेंज हो गया ना कि पहले होता था कि फ्लैग स्टिक को बॉल नहीं लगना चाहिए वो असल में ये अभी जो गोल्फ के कुछ रूल्स चेंज किए हैं उनका मेन पर्पज जो R&A का है वो यही है कि जो है ना वो दामिल ताउल्ला ने अपनी चिप खेली है और वो पानी से जाते जाते बच गई है और वो उसका जो रूल चेंज किया कि ये जो फ्लैग निकालता था प्लेयर साइड पे रखते थे फ्लैग फिर फ्लैग इन करते थे वो टाइम की थोड़ी बचाने के लिए ना उन्होंने फ्लैग को होल के अंदर छोड़ दिया। अहमद कियानी ने अपना बर्डी पार्ट खेला और ये लेफ्ट से मिस कर गया उसको और अहमद कियानी ने पार किया अच्छा फिनिश कर लिया इस होल को लेकिन बर्डी भी हो सकती थी। दामिल ताउल्ला अपने फिर से चेक इसका मतलब कि जैसे इसने मतलब वो फ्लैग रखा और बाहर नहीं निकाला इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है टाइम बच जाता है। वो कैडी आता फ्लैग पकड़ता फ्लैग निकालता पट करता तो इस कम से कम उसका 30-40 सेकंड्स तो और ज़ाया हो जाने थे। हाँ बिल्कुल ठीक है दामिल ताउल्ला अपनी चिपिंग से खुश नहीं नज़र आ रहे इन्होंने अगली चेक भी आगे निकाल दी है और अब ये अपनी ये पार्ट करेंगे बोगी के लिए। लेकिन यार ये बताओ मुझे हाँ। क्या नाम अलग शबाज दी ग्रेट कि ये जो बाहर जाते हैं बच्चे तो इनके साथ कोच जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए क्या है मसला इसमें एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर जो है ना आजकल बड़ी गुफ्तगू हो रही है इस पे बात होनी जरूरी भी बहुत है। उन्होंने मिस कर दिया दामिल ने अपना छोटा पार्ट और ग्रीन साइड से इस होल को डबल बोगी किया इन्होंने जो कि बिल्कुल अच्छा स्कोर नहीं है फॉर हिम इज बैड वेरी बैड वेरी बैड। 3 हैंडीकैपर को इस जगह से जो है ना अगर वो पता नहीं इसमें मतलब ही बहुत